दिल महल्ले की हवेली। मारे गए यार, घर से फोन है। तो कर लो ना बात। यार क्या बात हो गई? वही ना कि लंच पे घर नहीं आए, कब आओगे? होगी उसी की साथ के साथ। मैं तो बदनाम होकर रह गया उसे बीवी में। मेरे भाई बदनाम तो तुमने होना ही था, हर रोज तुम किसी ना किसी को अपने साथ लंच या डिनर के लिए घसीट लेते हो। अकेले कुछ खाया नहीं जाता। तो यार ले आओ ना, पकाने वाली, साथ खाने वाली। It's a long story, रहने दो। वैसे इफ यू डोंट माइंड, आखिर तुम कब तक शादी नहीं करोगे? शादी छोड़, इस बात को कोई और बात करो। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। लीव इट, देखो वैसे भी लंच टाइम खत्म होने वाला है। ये किसने गधे घोड़ों का खाना भिजवाया यहां? किस बदनीयत औरत का पका हुआ है ये खाना? इतना बेलज्जत। ये पतला शोरबा, भैंसा से आलू, घुला हुआ बसांदा गोश्त, और ये धनिया डंडियों समेत, और गरम मसाले में जाफरान कौन गधा डालता है? दरअसल अम्मा जान, खाना खानसामा ने पकाया है। देखो बबू, हम आपको अपने घर में इसलिए लेकर आए थे क्या आपके नगर दादा ख्वाजा हसन निजामी के पड़ोस में रहते थे, और उनका रंग जो आप पर चढ़ा था वो यूं लगता है जैसे उतरता जा रहा है। लेकिन अम्मा जान, मैंने ऐसा क्या कह दिया? खान सामा, ये कौन सा लफ्ज होता है भला? बोलने से पहले लफ्ज को तोला जाता है। सुल्तान टीपू के दरबार में सबसे ऊंचा ओहदा था ये खान सामा, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी तजलील के लिए खाना पकाने वाले को कह दिया खान सामा, और आप जैसे टोडी बच्चे वही दोहरा रहे हैं। सॉरी अम्मा जान। सॉरी सॉरी, ऐसा मनहूस लफ्ज मैं आइंदा कभी ना सुनूं, और आइंदा अगर ऐसा खाना मेरे सामने आया सबका वजीफा बंद, समझी? जी मैडम, बेहतर। और ये सारा खाना रोटियों समेत उस फुअर मुलाजिम के साथ भिजवाओ, दो माह की तनख्वाह दो और रुखसत करो। लेकिन अम्मा जान, उसने तो सिर्फ एक वक्त का खाना। गरीब आदमी के साथ बहस मत डालो, आइंदा से सारा खाना आप पकाएंगी। जी। खैर है, तोपे दागी जा रही थी, क्या हुआ? होना हुआ ना क्या था, आपके मशवरे पे वो खान सामा, सॉरी वो खाना पकाने वाला पक गया। जी वही, बावर्ची से खाना पकवा लिया मैंने, अम्मा ने तो प्लेट ऐसे उछाली जैसे खुदा ना खासा पता नहीं क्या हो गया हो, ऊपर से इस कदर बातें सुनाई है मुझे। अरे भाई, हमने तो तुम्हारा भला ही सोचा था, काम की ज्यादती की वजह से परेशान रहती थी, हमने सोचा कि पक्की आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी।
ऊपर से उन्होंने मुझे वजीफे का ताना भी दिया है, आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? अरे सफिया बेगम, अम्मा के ताने कोई ताने थोड़ी होते हैं, वो तो मोहब्बत में घुले हुए होते हैं। और हमें कोई और काम करने की क्या जरूरत, हमारा अपना वसीयो रीस कारोबार है। आपका नहीं है, आपकी अम्मा का है। सफिया बेगम, हम और हमारी अम्मा कोई दो थोड़े ही हैं, उनका हुआ हमारा हुआ एक ही बात है। खुदा माफ करे, ये प्रिंसिपल तो जलाद है, है थोड़े से पैसे देकर कितना काम करवा रहा है। अरे बाहर तो देखो, बह का घोंसला बन गया है। कहाँ अम्मा, सर जावेद तो इतने अच्छे हैं, रोज अपने घर से बादाम का शरबत बनवा के लाते हैं सब टीचर्स के लिए। कोई अच्छे बच्चे नहीं है, बड़ा बद नजर आदमी है ये। ए मैरन, तू इनसे जरा दूर ही रहा कर। अम्मा क्या दूर हूँ, वो प्रिंसिपल है, मैं टीचर हूँ, हमारा क्या ताल्लुक? अरे बेटा, तू बहुत सादा है और दुनिया बहुत तेज। जब तक मैं स्कूल जाती रही मुझे बड़ी बेफिक्री थी, मगर अब कमबख्त जोड़ों के दर्द ने मुझे बिस्तर पर बिठा दिया है। बिटिया, तुम मर्दों से मोहतात रहा करो, मर्द की फितरत लालची बिल्ले किसी होती है, भले पेट भरा ही रहे मगर उनकी नीयत बड़ी गंदी रहती है। अम्मा तुम्हें कैसे पता, तुमने कहाँ देख लिए लालची बिल्ले? बहुत करीब से देखा है, बहुत लालची बिल्ला। देखो, तुम तो दुल्हन बनकर बिल्कुल भैंस लग रही थी। शराब, तुम्हें पता है शारिक कह रहे थे कि मैं बिल्कुल उफ, तुम तो ना बिल्कुल रेड काओ लग रही हो। जा रही हूं मैं, बस दो दिन और, उसके बाद मुझे याद करना और डरना। ओफो भाई, इतना नाराज ना हो, तुम्हें पता है अभी इतना इंपॉर्टेंट काम करना है मुझे। आपा को फोन। हाँ, तुमने तो सफिया आपा के यहाँ जाना है, कैसे रहोगी वहां, उनकी सास तो बड़ी अजीब सी है। हाँ है तो बहुत अजीब, पता है मुझे तो बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन क्या करूं, अब जब तक तुम लोग हनीमून से वापस आओगे मुझे वहीं रहना पड़ेगा। तुम यहाँ रह सकती हो, सब मुलाजिम तो हैं। ना बाबा ना, मुझसे सब कुछ नहीं होता, सफाइयाँ करवाना, कुकिंग करवाना, नो। तौबा है, शादी के बाद क्या करोगी? कर लूंगी कुछ ना कुछ। हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी, अम्मी की जिंदगी में हम सोचते थे कि उनके बाद कैसे रहेंगे, लेकिन देखो जी ही रहे हैं ना। हाँ, मेरी और सफिया आपा की अम्मा अब्बा की डेथ के बाद हमें भी लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन देखो सब कुछ चल रहा है। तुम दोनों बहुत छोटी थी जब यहाँ आई, अब वो टाइम तो ख्वाब सा लगता है। अच्छा रोना धोना मत शुरू कर देना, मुझे प्लान करने दो कि सफिया आपा को कैसे फोन करूं। एकदम से फोन कर दूंगी, ना भी नहीं कर सकेंगी। कैसा मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। वाह वाह फिनी, पुलाव और पालक गोश्त, आज तो लगता है चची जान को खुश करने का पूरा प्रोग्राम है। मुझे तो लगता है मेरी सारी जिंदगी बावर्ची खाने में गुजर जाएगी। वैसे भाभी, आपको नहीं लगता कि हमारी चची जान को उम्दा खाने खाने का मर्ज है? ये भी एक बीमारी होती है। खुदा के लिए शहरोज, क्या कर रहे हो तुम, मेरे पास खड़े होके इस किस्म की बातें ना करो इतनी ऊंची आवाज में, किसी ने सुन लिया ना तो इल्जाम मेरे पे आ जाएगा, तुमने तो साफ बच जाना है। कौन सुनेगा, चची जान कैलुला फरमा रही है, अजीम भाई गए हुए हैं। हाँ ऊपर वाले सुन ले तो और बात। खुदा के लिए
क्या हो गया शहरोज? चुप भी कर जाओ, उनका नाम क्यों लेते हो तुम? क्यों, आप भी डरती हैं उनसे? खुदा के लिए शहरोज, जाओ यहाँ से, मुझ पे रहम खाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। और हाँ, उनके लिए खीर जरा बड़ी कटोरियों में जमाइएगा, ये छोटे छोटे प्यालों में नहीं टलने वाले। जाओ दुल्हन, ये ऊपर दे आओ। मैं? सो जा बेटा, कितना काम करेगी, देख ले कितनी रात हो गई है। अरे अम्मा, कहाँ रात हुई है, हम दोनों अकेले रहते हैं ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। वरना क्या, रात के वक्त सुबह हो जाती है, बावली ना हो तो। रात तो रात ही होती है, रात का क्या अकेला वेला होना। अम्मा एक बात तो बताओ, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो मेरी खाला फुप्पो या मामू? मैडम फजूल बातें मत क्या करो, सो जाओ, सुबह सुबह तुम्हारे वैन वाला आ जाएगा, पी पी पा पा, सो जाओ तू। रखा ही खाना? जी। अजीम मियां। जी मदन। ये इस्तीफा, सौंफ कहाँ से लाए थे आप? सौंफ? अच्छा सौंफ, इस बार यहीं से लाया था मदन, क्यों? अजीम मियां, कितनी मर्तबा समझाया आपको कि मसाले अकबरी मंडी से लाया कीजिए। जी वो मदन, इस बार कुछ सुस्ती हो गई, अकबरी मंडी में रश बहुत होता है। अजीम मियां, इस घर में डेढ़ सदी से एक ही जायके का खाना पकता आ रहा, अब आपकी सुस्ती और आपकी बेगम की आराम तलबी की वजह से हम 150 साल की रिवायत क्या छोड़ दें?
शहरोज बिल्कुल ठीक कहता है, अम्मा जान को वाकई कोई मर्ज है। इतनी मीन मेख, इतने इतराजात, मैं तो परेशान हो गई हूँ। रात को खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आती, ख्वाब में भी मुझे कफगीर और पतीले नजर आते हैं। खुदा रहा बेगम, इतना तो याद रखें कि आपके इस घर में आने की वजह भी यही मर्ज है। हाँ, आपकी अम्मा जान जब मेरी खाला जान के यहाँ मिलाद शरीफ पे आई थी ना, तो मैंने शाही टुकड़े बनाए थे। एक टुकड़ा खाते ही उठ खड़ी हुई और झट से अपनी उंगली से ना अंगूठी निकाल के मुझे पहना दी। तो फिर बस ये ना भूलिए कि ये मर्ज आपके लिए कितना सूदमंद है। अच्छा रहने दे अजीम, हर वक्त का मजाक, सच कह रही हूँ, मैं कभी कभार बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। 3 वक्त का बेहतरीन पकवान, बर्तनों की कलाई, दस्तरखान की कढ़त, अजीम आप अम्मा जान को समझाइए ना। पागल हो गई हो क्या, उन्हें कौन समझा सकता है? तो फिर कुछ सोचिए। सोचते हैं। अम्मा बहुत देर हो गई है, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बेटा मैं इसीलिए तो कह रही थी, जल्दी से नाश्ता कर लो, अब सारा दिन भूखी रहोगी। अरे नहीं अम्मा, सर जावेद लंच टाइम पे इतना कुछ मंगवा देते। खुदा तुझे अपने अमान में रखे। किस घर की बेटी थी, कहाँ रुल रही। खुदा तुम्हें गारत करे जम्मू। शुक्र करें मैनू निशा, हमने आपको टीचर रख लिया, वरना आया की बेटी आया ही रहती। जी सर, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। वो स्कूल देर से आती हैं, क्या समझती हैं, बाप का स्कूल समझ रखा क्या? सॉरी सर, रात में कॉपी चेक कर रही थी इसलिए। हो कॉपियां चेक की तो कोई एहसान नहीं किया, इसी बात की तनख्वाह लेती हैं आप। जाइए और आइंदा एहतियात कीजिएगा। मेहरुन्निसा, सब बच्चे पढ़ने में आते। जी सर। मैं ऐसे ही कह गया था, हालांकि घंटी बजी थी। आप रोज थोड़ा देर से आती हैं, आप ऐसे तो ना देखो, मैं तो पहले ही। जी सर। मेरा मतलब है क्लास में जाइए, कोई मसला हो तो मुझे बताएं, कोई स्टूडेंट या साथी टीचर मिसबिहेव करे ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं नहीं सर, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो हैं, लेकिन आप उन सब से मुख्तलिफ हैं। आप लगती नहीं कि फजीलत आया की बेटी।
समय जाऊं क्लास में? जाओ जाओ। असल में हमारी अम्मा जान बहुत ही रवायती खातून हैं। अबा की वफात के बाद उन्होंने सारे कारोबार को संभाला, जिसकी वजह से उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई कि ख़ानदान की रवायतें उनकी तवज्जो बढ़ने की वजह से ख़त्म तो नहीं हो गई। उनके ख्याल में बाहर काम करने वाली ख़वातीन के घर के माहौल बदल जाते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक ये बात सही तो है, मुलाजमों के हाथ का पका खाना वो बात तो नहीं होती है। तो वो कारोबार के साथ कुकिंग भी खुद करती थी? हाँ, कुकिंग ही नहीं, कमाल की कुकिंग। हमारे घर में बिस्किट तक घर में बनते थे, सेवइयां भी घर में बटी जाती थी, मिठाइयाँ, हलवे, यहाँ तक के टॉफियाँ। नहीं भाई, ये तो झूठ है। नहीं, ये सच है। और खाना भी बहुत ही अहतमाम से लगता था, आफ्ताबे और सूफी में हाथ धुलाए जाते थे। खाना खाना नहीं होता था, जमालियात का एक भाव होता था। ओह, तो इसीलिए तुम अकेले खाना नहीं खा सकते? हाँ, शायद इसीलिए मुझे अकेला खाना खाने की आदत नहीं है। तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी क्यों नहीं करा देती? हम भी यही चाहती हैं, लेकिन डिजर्ट आप ले जाए। इसमें जो फ्रूट केक आप लोगों ने डाला है उसमें वनीला एसेंस से कंडिया दो की बसान छुपाई गई है, आप लीजिए, इसे मैं नहीं खा सकता। अकबरी मंडी जा रहे हैं, कुछ मंगवाना हो तो बता दीजिए। निजात, वो नहीं मिल सकती, वो बशर्ते जिंदगी है। हाँ, एक बात जहन में आई। क्या? क्यों ना हम साद की शादी करा दे? ये तो नामुमकिन है। क्यों भाई, नामुमकिन क्यों? साथ जो है वो अम्मा जान से कहीं ज़्यादा दिमागदार है, कहाँ मानेगा। हाँ, ये तो है। खैर, तुम कोशिश तो करके देखो। फ़ायदा ही क्या है, वो कौन सा यहाँ पे रह रहा है? इस बहाने अम्मा की तवज्जो किसी और तरफ तो लगेगी। चलते हैं। बहुत मेहनत करती है मेरी ये टीचर, फूल सा चेहरा कुमला ना जाए। कोई बात नहीं सर, ये तो हमारा काम है, करना तो है ही। हाँ, बात तो ठीक कह रही हो। मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि मेरी टीचरों के लिए बादाम का शरबत बना के दिया करो। ये मैं इसलिए ये बादाम का शरबत। पोस्टर बना के जाइएगा, रहती हैं बनने वाले, छुट्टी के बाद रुक के बनाइएगा। उस्तानिया सर पर ही चढ़ जाती है। इन्हें क्या हो गया? अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आ गया? हाँ।
जम्मू तू? क्या लेने आया है तू यहां? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तूने। क्या बर्बाद कर दिया है? वैसे तू वहां करती क्या थी अम्मा? वजीर आजम लगी हुई थी। बकवास बंद कर जम्मू, और मैं नहीं चाहती तुम्हें यहां कोई और देखे। कोई या वो? बकवास ना कर, मैं तुम्हें कह रही हूं यहां से चला जा, चला जा यहां से। चले जाते हैं अम्मा, चले जाते हैं। अब भला इतनी भी जल्दी क्या है, जरा उसे आ तो लेने दे अम्मा। वैसे तो खूब बड़ी हो गई होगी। निकल जा अपनी मनोसूल देकर, चला जा यहां से। और खबरदार, आज के बाद तूने इस घर में कदम रखा, चला जा। चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, ये तेरा ढलता वक्त है, ढलता, समझी? कल कलां को तुझे कुछ हो गया ना, तो इसका मेरे सिवा और कोई नहीं होगा इस भरी दुनिया में। हाँ, हाँ रबिया। अच्छा एक सेकेंड होल्ड करो। नहीं रबिया, 100 मरतबा आओ तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम्हारे जो दिल में आता तुम वो करो। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरी जो सास है ना वो बहुत रिवायती किस्म की खातून है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अपना ध्यान रखना। अच्छा खुदा हाफिज़। अब ये क्या नई मुसीबत हो गई है, अम्मा जान ने तो रबिया को देखते साथ ही गोली मार देनी है। याहू मुनीरा, कैन यू इमेजिन, मैंने आपा को फोन कर दिया। यस मुनीरा, इतना बड़ा काम था? बहुत बड़ा, मुझे तो समझ नहीं आती आपा क्यों नहीं चाहती हम उनके घर आके रहे। हाँ, आपा की शादी से पहले हम सब कितने एक्साइटेड थे कि हर वीकेंड पर उनके यहाँ जाया करेंगे, हवेली में खेलेंगे, लेकिन आपा तो आधे घंटे के बाद ही जाने का बोलने लगती थी। मुझे तो लगता है कि आपा की जो सास है ना वो बहुत कंजूस है। नहीं, उनके सास कंजूस नहीं, याद है कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है हमें ईद और बकरीद पर? तो फिर आपा ही कंजूस होंगी। व्हाटएवर, वैसे आपा नहीं चाहती कि हम उनके घर आए, और वहां जाके रहना इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कोई मिस्ट्री है? मिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा यही होगी कि आपा का घर हॉन्टेड है और बस, और वो भूत उनकी सास है। अजीम मियां, हम देख रहे हैं कि चंद दिनों से आपकी बेगम के तेवर कुछ बिगड़े बिगड़े से हैं। ऐसी बात नहीं है मजान, वो शायद काम की ज्यादती की वजह से। अरे लो, काम की कौन सी ज्यादती है, दो वक्त की हंडिया रोटी और बस। नहीं मजान, मेरा वो मतलब नहीं था। हाय, मतलब को डालो भाड़ में और मायने को डालो चूल्हे में। हाय अजीम मियां, आपको याद होगा जब आपके अब्बा का इंतकाल हुआ है तो हमारी क्या उम्र थी, कुछ भी तो नहीं। इतना बड़ा सा कारोबार संभाला, 3 लड़कों को पाला, फरादीबा को पाला, पर आप क्या जाने लड़कों को पालना क्या होता है। जी अम्मा जान, अब आप जैसे लोग रोज रोज तो पैदा नहीं होते, माफ कर दीजिए उसे। अजीम मियां, हम कौन होते हैं माफ करने वाले। ए, माफी मांगो तो उस खुदा से मांगो जिसने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है, और आप हैं कि नाशुक्री कर रहे हैं। मजा फरमाया आपने मना, हमारे लिए तो सबसे कीमती नेमत आपका साया है। अब ये किस्मत का फेर क्या कि सफिया दुल्हन के अलावा और कोई बहू रही नहीं हमारे घर में,
ना उसके मिजाज दारियां कौन सहता। मुझे याद आया कि कल हम बात कर रहे थे कि क्यों ना साथ की शादी कर दी जाए। बेटा मैं तो कल की करती आज कर दूं, पर किससे? तुम्हें तो सब बात का इल्म है। अब सोचो, एक लड़की घर ले आए, बाद में उन शरीफ लोगों को मालूम हो। ना भैया ना, ना। अम्मा जान, अगर लड़की ऐसी मिल जाए जिसे कोई एतराज ना हो तो? क्यों? अरे कोई है तुम्हारी नजर में? अगर है तो बताओ, बात चलाऊं मैं? मैं बताऊंगा आपको। अम्मा देखो, आपके लिए बेसन की रोटी पकाई है, खा लो। माशाल्लाह महरन, तुम्हारे हाथ में वो जायका है जो मैंने आज तक किसी के हाथ में नहीं देखा। हालांकि तेरी अम्मा, रहने दे अम्मा, आपसे भला कोई अच्छा खाना बना सकता है? है एक हस्ती जो मुझसे क्या, किसी से भी अच्छा खाना बना सकता है। वो कौन है अम्मा? कौन है कौन है? देख मैरन, मेरी एक बात सुन। जब तू स्कूल से आया कर तो सीधी घर आया कर, रास्ते में भले कोई कितना बुलाए किससे बात मत करना। माई को बताने वाली बात है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और हाँ, घर का दरवाजा मत खोलना, हर वक्त बंद रखना, ठीक है? क्यों अम्मा? भाई जो कह रही हूँ ना वो कर। क्या बात है सफिया बेगम, कुछ परेशान लग रही हो, क्या अम्मा ने फिर कुछ कह दिया? नहीं, वो कुछ और बात है। क्या बात है? वो आप तो जानते हैं, अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद खाला ही नहीं हमें पाला है। रबिया मुझसे बहुत छोटी है, मुझ पे खाला जान की तरबियत का असर है, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, तो ये कि आप ये भी जानते हैं कि खाला जान के बाद मुनीरा की शादी फौरन हो गई। अब उस घर में वो और उसका शौहर रहेंगे, तो रबिया का वहाँ रहना कुछ मुनासिब नहीं है। मुझसे पूछो तो मुझे तो इसमें ऐसा कुछ भी गैर मुनासिब नहीं लगा। पहले की बात और थी, उसकी खाला का घर था, लेकिन अब सगी बहन के होते हुए उसका कहीं और रहना। यहाँ के हालात तुम अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ, मगर मुश्किल ये है कि वो मेरे बुलाए बगैर ही यहाँ पे आ रही है। ओ। एक बात जहन में आ रही है, अगर रबिया की शादी साथ से करवा दें तो कैसा? अम्मा जान मान जाएंगी? उन्हें तो चाहिए असली घी के डिब्बे से निकली हुई रवायती बहू। अरे सफिया, अम्मा जान कब तक है? मेरा मतलब अल्लाह अम्मा जान की उम्र दराज करे,
लेकिन फिर भी किसी तरह रबिया और साथ की शादी करा देते, आगे गुजारा हो जाएगा। अरे तुम्हारा हमारा भी तो हो रहा है। लेकिन मुझे रबिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना वो पहले ही स्टेप पे अम्मा जान को ऑफेंड कर देगी। हाँ, उसे तुम अच्छी तरह समझा देना, साथ से मैं बात कर लूंगा। दिल